मैं लाइव हूं क्या? हाय गाइस, आई एम रॉकी। और ये मेरा फेसबुक। ओह, व्हाट इज दिस? ये क्या आ गया भैया? मेरी मूछें कहां से आ गई? अरे मेरी मूछें कहां से आ गई भैया? अरे ये क्या आ गया? रोहित जल्दी आओ, ये मुझे कहां से आ गई मेरी? कैसे हटाना है? नहीं 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 रुको तो सही। ये यार मेरी मुझे कहां से आ गई? मुझे कहां से आ गई भाई? रुको रुको रुको, वापस क्लिक करो। हाँ निकल गई, मेरी मूछे निकल गई। गाइस मैं हूं बिग बॉस के फिनाले में। और मेरे हस्बैंड को देखना चाहेंगे? रितेश कम, इज माय हस्बैंड रितेश। आप लोग बात करो। सो गाइज फिनाले में हूँ। आई वॉन्ट यू बैक इन बिग बॉस हाउस राकेश राव, थैंक यू। अरे जाने दो, ये लोग ने मुझे निकाल दिया भैया, निकाल दिया मेरे दोस्तों मुझे। इतनी मेहनत मैंने करी दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। और आज देखिए मेरे हस्बैंड रितेश फ्रॉम बेल्जियम कनाडा, कहाँ कहाँ से है मेरे हस्बैंड, कहाँ रहते हैं, लेकिन अब इंडिया में हैं। और माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल, थैंक यू। हाँ अभी मेरा परफॉर्मेंस होने वाला है गाइस, मेरा परफॉर्मेंस होने वाला है अभी बिग बॉस हाउस में। रितेश hey guys, कैसे हो आप लोग? आप भी अपने फेसबुक पे आप लाइव जाया करो। हाँ जी बिल्कुल, कैसे हो आप लोग? लव यू ऑल, अपना ख्याल रखो, कोरोना में सेफ रहो, फैमिली को सेफ रखो। सुना, अपना ख्याल रखो, कोरोना में सेफ रहो। मेरे देखो मेरे कपड़े आज मैंने क्या पहने हुआ है, घाघरा चोली। हाँ हमारा परफॉर्मेंस है बिग बॉस फिनाले में, एंड आई होप कि आप सब लोग बिग बॉस फिनाले जरूर देखोगे। बुलाया क्या? हाँ इतने जल्दी थोड़े ना बुलाएंगे, कब से हम रेडी होके बैठे हैं। बिग बॉस हाउस में जा रहे हैं हम लोग अभी अंदर, और हमारा परफॉर्मेंस है अंदर। हे लव फ्रॉम पाकिस्तान, प्लीज आस्क माई नेम, रियली लव यू, आर बेस्ट ब्रेव गर्ल सना हसन। हाय सना हसन, हाउ आर यू? यू डिजर्व टू विन। अरे नहीं मैं कभी जिंदगी में, अरे मुक्ता मैं जिंदगी में नहीं जीत पाऊंगी कभी भी। अरे क्या करना है यार, तुम लोग के दिल में प्यार मिल गया, वही मेरी ट्रॉफी है। मुझे कभी, मैं कितने भी सालों साल बिग बॉस में मैं जाती रहूंगी, लेकिन मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा मेरे परफॉर्मेंस को, कोई मुझे नहीं जिताएगा, क्या करूं? ठीक है ना, या तो किसी से मैं झूठा प्यार करूं अंदर, या फिर चुपचाप डोर नेक्स्ट गर्ल बन के बैठूं अलग अलग कपड़े पहन के, तो आई थिंक के यू नो शायद ट्रॉफी है। अब तो वो मैं बनावट कर नहीं सकती, मेरे से बनावट होता नहीं है। और भूल जाओ कि राखी सावंत कभी बिग बॉस जीतेगी, भूल जाओ। हम लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री होते हैं, हम लोग सिर्फ जाते हैं अंदर एंटरटेन करने के लिए, और मुझे कोई नहीं जिताएगा, कोई भी नहीं जिताएगा मुझे कभी भी, भूल जाओ। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी वाइल्ड कार्ड में, जो भी जाते कभी नहीं जीतते, और हमें वाइल्ड कार्ड में ही भेजते हैं। डे वन से अगर मैं जाऊं तो शायद मेरे चांसेस हो सकते हैं, लेकिन जब सब लोग डाउन हो जाते हैं, बोरिंग हो जाता है,
लोग कुछ करते नहीं हैं तो फिर मुझे डाल देते हैं, मैं जाके सबको उठाती हूँ, जगाती हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं भी हर्ट होती हूँ, मेरे भी दिल में तमन्ना होती है कि मैं भी एक बार बिग बॉस की ट्रॉफी जीतूँ। आप मेरा बिग बॉस का देखो, मैंने कितना अलग अलग स्वांग रचाए थे, अलग अलग मैंने किरदार कॉमेडी के मचाए थे मैंने अलग अलग। मैं इस बार तो अपने हस्बैंड को भी लेकर गई, देखो मेरा हस्बैंड बैठा हुआ है। हाँ, मेरे हस्बैंड उतना नहीं बात करते हैं, बहुत खामोश रहते हैं, बहुत शर्मीले हैं। जितने मेरे हस्बैंड शर्मीले खामोश है उतने ही मैं एकदम हूँ। मैं उतना ही बोलती हूँ। अरे मैं बोलूँगी नहीं तो फिर मेरा रियलिटी शो में मैं कैसे चलूँगी बताओ। प्रे करो मेरे लिए कि मेरी ये शादी टिके। मैंने तो पहली बार शादी करी है भैया, वो भी व्हाट्सएप पे शादी करी है मैंने। है जान, हमारी शादी व्हाट्सएप पे हुई है, बताओ सबको। Hey guys, कैसे हो आप लोग? व्हाट्सएप पे हम मिले, हम लोग व्हाट्सएप पे मिले हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं एक दूसरे से और आज आप लोगों के सामने हैं। प्लीज, ये मेरे फैन थे। बताओ कितने बड़े फैन थे मेरे। डेफिनेटली मैं इनका बहुत बड़ा फैन था, आज भी हूँ, और मैंने अपने फैन से ही शादी करी, बताओ। देखो तो आप लोग किसी को भी प्यार और लव देते हो तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट कि कभी मेरी तरफ भी आपको वो प्यार मिले। हैं मतलब दूसरी शादी करूं किसी फैन से? नहीं, तो ये लोग भी किसी के फैन अगर हैं, हाँ, तो डेफिनेटली इनके पास चांस नहीं। बट उसमें क्या है, मैं उसमें क्या है, अगर मुझे और मेरा फैन अच्छा लगे तो मैं उसके साथ दूसरी शादी कर सकती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कत्लेआम हो जाएगा। अरे मेरे हस्बैंड ने बेचारे ने उन्होंने कभी मेकअप वेकअप कभी किया नहीं, पहली बार मेरे लिए मेकअप कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, उन्होंने कभी डांस नहीं किया। आप लोग बिग बॉस फिनाले में जरूर मेरे हस्बैंड का डांस देखना। स्वीटी तेरा ड्रामा मचाए हंगामा, वो मैं डांस हम लोग कर रहे हैं जितना बेचारा कर सकता है। उन्होंने तो वो इज अ बिजनेस मैन, यू नो, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई डांस नहीं किया। वैसे मेरे हस्बैंड बिहार से हैं बट NRI है, वो पैदा उनके उनके खानदान बिहार में है, यूपी बिहार से हैं, बट वो रहते मतलब बाहर है, वो आउट ऑफ स्टेशन NRI है वो। और मुझे हमेशा NRI से ही शादी करनी थी तो एक NRI से शादी कर ली मैंने। अब ईश्वर ही बचाए मेरी शादी को और मेरी पब्लिक बचाए मेरी शादी को। राखी इज वेरी लॉयल एंड परफेक्ट वाइफ। अरे राकेश जी, आई डोंट नो, मैंने पहले कभी शादी नहीं करी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे पति के साथ कैसे रहना है, क्या है, क्या हुआ? देखो मेरे ग्रैंड फिनाले में मेरा डांस पोल डांस दिखा दिखा, पोल डांस तुम्हारा ग्रैंड फिनाले में आया। अरे मेरे पति का ग्रैंड फिनाले में देखो पोल डांस, मेरे पति का देखो पोल डांस जरूर देखिएगा ग्रैंड फिनाले में। ये देखो आहा, मेरे पति ने पोल डांस किया। मेरे पति बहुत मासूम है, सीधा साधा है, उनके उनका उनका लोग पहले बहुत एडवांटेज उठाते हैं। जितनी चंट हूं मैं, जितनी मैं सीधी साधी हूं, मेरे हस्बैंड उतने सीधे हैं। हाँ ठीक है, हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। मैं कभी उनके साथ डेटिंग नहीं करी, मैं कभी मेरे हस्बैंड के साथ घूमने नहीं गई, लेकिन अभी वो आए हैं इंडिया मुझे मिलने, तो मैं बिग बॉस से बाहर आई तो वो आए हैं मुझे मिलने, तो मैं मिली हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है घर बसाने में दोस्तों, कि कैसे पति के साथ रहना और कैसे ससुराल में रहना दोस्तों, मुझे बहुत डर लग रहा है कैसे रहना, मुझे नहीं मालूम है क्या होगा, बच्चे कैसे होंगे, सब कैसा होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। क्या मेरा पति मुझे छोड़ के बाहर चले गए तो क्या दोबारा आएंगे? क्या मैं पागलों की तरह उनके पीछे पीछे भागूंगी? मेरी मैरिज लाइफ कैसी होगी दोस्तों? मुझे बहुत डर लगता है। आपको तो पता है मैं दिल खोल के आपसे बात करती हूँ, यू नो, आपको दिल खोल के आपसे बात करती हूँ। उमर मेरा बहुत ही स्वीट हार्ट था, हाँ उमर, फिर शमिता, करण, सब लोग ही, करण तो सबकी
सेफ बुक में थे, वो किसी से दुश्मनी ज्यादा लेते नहीं थे, और गेम वही होता है। आई लाइक करण का गेम, करण का गेम बहुत अच्छा लगता था। मतलब उमर ने यही तो किया, रश्मि के चक्कर में ना सबसे पंगे ले लिए, और रश्मि फिनाले में चली गई और उमर बाहर निकल गया। आई फील वेरी सैड। अपने अपने लिए लड़ने का, अंदर जाओ ना, किसी के लिए नहीं, अपने लिए लड़ो। बट आई लव उमर, इज अमेजिंग, एंड के इज अमेजिंग, शमिता, प्रतीक, सब लोग अच्छे हैं। रेहाना कपाड़िया, हाय सचिन, हाय, बुला रहे क्या गाइज? मुझे बुला रहे हैं, मेरा डांस परफॉर्म है। मुझे पफ मार दे, थोड़ा ना पसीना आ गया फेस पे। आर यू श्योर दे आर कॉलिंग मी? चलो गाइज, मुझे बिग बॉस हाउस में अंदर जाना है, क्योंकि हाँ बाहर खड़ी है क्या? हाँ चल तू करना, कोई बात नहीं, मैं फेसबुक पे लाई हूँ। रितेश को पफ मार दो, मेरा भी फेस वेस पे कटिंग कर दो, जो करना है भाई। मेरा परफॉर्मेंस है, हॉट हॉट परफॉर्मेंस है भाई। तो क्या कर रहा है, खोल मत ज्यादा, खोल नहीं रही हूं। उसके पास हाँ, ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट है, मेरा भाई है रोहित, ये मेरा भाई। सब लोग बिग बॉस में हाउस में जाके सबके नाम भूल गई भाई। मैं महेश, मैं अपना फोन नंबर भी भूल गई हूँ, मैं सब कुछ भूल गई हूँ अंदर जाके। बाहर आई तो मुझे कुछ याद नहीं था दोस्तों, कुछ भी याद नहीं था। हाँ मेरे एप्पल, एप्पल कर दो मेरे गालों को, एप्पल। हाँ आई लव रेड रेड। हाँ चलो मैं तो जा रही हूँ दोस्तों। अरे छोड़ दे भाई, लिपस्टिक लगा दो। हाँ ओके बाय गाइज, मैं जा रही हूँ। आई लव यू एवरीवन, हमें देखते रहिए और बिग बॉस फिनाले जरूर देखना, है ना? क्योंकि देखो मेरा क्या घाघरा चोली पहना है मैंने, सुंदर है ना? मैं अच्छी लग रही हूँ ना? तुम्हारी राखी अच्छी लग रही है ना? अरे बिग बॉस हाउस में कहाँ हमको मेकअप मिलता था दोस्तों, बिल्कुल भी मेकअप नहीं मिलता था। जो घर जो हम खुद करते थे वही करते थे, अच्छी करते थे, ठीक है, थैंक यू, बट मुझे नहीं इतना आता है। ओके लव एवरीवन, लव यू, बाय। अरे मेरे बाल मत खींच, अरे फिनिश क्यों नहीं हो रहा भाई? दो। फिनिश कैसे होगा? चलो अरे फिनिश ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा भाई, कैसे होगा एंड? फिनिश हाँ, प्रेस नहीं हो रहा। ये फोन अटक गया क्या? ये फिनिश कैसे कर ले? हाँ रुको रुको, बंद करो, एक मिनट सिर्फ, एक आपकी प्रोफाइल के लिए, वन माफी आती है ना? ये देख इधर हो रहा है तेरे से तो फिनिश। हाय बुला रहे, बुलाए बुला रहे क्या सिर्फ, एक दो बस। हाँ